शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कोविड की वजह से बंद स्कूल कॉलेज खुलेंगे 25 जुलाई से। कावड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, सीएम योगी ने निर्णय लेने के दिए निर्देश। कोरोना संकट का कहर जारी, 24 घंटे में आए 48,000 नए मरीज, 624 संक्रमितों की मौत। 6 राज्य में चुनावी विषाद बिछा रही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने संभाली कमान। अफगानिस्तान से हार कर लौटी यूएस फौज, अब भारत से मांगी सैन्य मदद, क्या जाएगी इंडियन आर्मी। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र के ओबरा में कोरिया के दुशान कंपनी के द्वारा बनाई जा रही 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने सी प्लांट का काम रोककर हड़ताल पर चले गए। मजदूरों के आरोपों के अनुसार ठेकेदारों ने कई महीनों का वेतन नहीं दिया है। नाराज मजदूरों ने कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए और सी प्लांट में जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। लगभग 15 दिनों से मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, पर सी प्लांट का काम कर रहे दुशान के कोई अधिकारी मजदूरों को देख तक नहीं रहे, जिससे आज मजदूर भड़क गए और सड़क को ब्लॉक कर जाम लगा दिया। वहीं इस मामले में जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैंने तत्काल ओबरा एसडीएम व श्रम अधिकारी को मौके पर भेजकर मजदूरों की मांगों को जल्द पूरा कराने का आदेश दिया है। जिन मजदूरों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया जाएगा। इसका भी आपने जानकारी दी है, मुझे एसडीएम से बात हुई, तो हमने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को वहाँ भेज रहे हैं और एसडीएम को भेज रहे हैं, तो वो चेक कराएगा कब से पेमेंट नहीं हुआ। नॉर्मली इन कंपनियों में ठेकेदार को पेमेंट करना होता है, कंपनी कई बार ठेकेदार को पेमेंट कर देती है, फिर ठेकेदार आगे ट्रांसफर नहीं करता है, तो चेक करा लेते हैं किसके लेवल से पेमेंट डिले हो रहा है, इसको ठीक कराते हैं। सर, इस सिद्धांत में बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, जिनका ना कोई ईएसआई कट रहा है ना पीएफ कट रहा है। नहीं, अभी लेबर डिपार्टमेंट जाएगा, वो सारा चेक कर लेगा, मतलब पेमेंट का इशू चेक करेगा, तो कटौती वाला, ईपीएफ वाला, ईएसआई वाला सब चेक करा लेंगे। मैं उसको भी चेक करा रहा हूँ, उसको भी चेक करा रहा हूँ। और यह जनपद में जीवनदायिनी संगठन के आवाहन पर एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस संचालन का टेंडर बदले जाने के खिलाफ जनपद औरैया के समस्त जीवनदायिनी के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सैकड़ों जिंदगी बचाई, आज एम्बुलेंस कर्मचारियों पर अपनी नौकरी बचानी मुश्किल पड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस संचालन का टेंडर नई कंपनी को दे दिया है। नई कंपनी ने अपनी भर्ती शुरू कर दी है। इस दौरान जीवनदायिनी संघ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और वर्तमान में सेवा दे रही जीवीके ईएमआरआई कंपनी एवं चिकित्सा हेल्थ केयर की होगी। अधिकारियों ने समस्त स्टाफ को आश्वासन दिया, इस दौरान भारी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी को पदक गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिला अधिकारी आरिका अखोरी ने अनुरुद्ध त्रिपाठी को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष समेत कुल 24 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। जिला पंचायत सदस्य अमित कुमार ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह बघेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा बदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज इत्यादि नगर पालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख उपस्थित रहे। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में मंगलवार को आरक्षण की मांग को लेकर निषाद कश्यप समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरकर निषाद कश्यप समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग करते हुए हुंकार भरी। आपको बता दें, किसानों के मसीहा मथुरा निवासी युवा समाज सेवी कुंवर निषाद ने मीडिया को बताया कि सभी राजनीतिक दल व राजनीतिक पार्टियां आरक्षण देने का वादा कर निषाद कश्यप समाज का वोट लेती हैं और सरकार बनने के बाद निषादों से किया वादा भूल जाती हैं, जिससे निषाद समुदाय में काफी आक्रोश व्याप्त है। अब की बार आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आक्रोशित निषाद समाज ने प्रदेश व केंद्र सरकार से अविलंब निषाद समाज का अनुसूचित जाति का आरक्षण जारी करने की मांग की है। आरक्षण की मांग को लेकर पद यात्रा का जगह जगह निषाद कश्यप समाज के लोगों ने साफ माला व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। देखिए, यह जो आज की पद यात्रा है, यह मथुरा से प्रारंभ हुई है, आज फिरोजाबाद जनपद में आज प्रवेश किया पद यात्रा ने।
और प्रत्येक जनपद में एक दिन ये पदयात्रा निकाली जाएगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी जो लंबित मांग है अनुसूचित जाति का आरक्षण, हमारा यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि हमको नए सिरे से आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण मिला हुआ है मझवार और तुरहा के नाम से, हमारे समाज को आरक्षण है, वह सरकार अविलंब हमको जारी करे, हमारे समाज को यह जो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र हैं वो देना प्रारंभ करे, ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है। ये जो सभा है वो किन किन राज्यों में जाएगी, किन किन देशों में जाएगी, क्या इसका अनुमान है कुछ? देखिए, यह जो पदयात्रा है यह उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाएगी। अगले 3 महीने का एक ड्राफ्ट जारी हुआ है कि एक एक दिन यह यात्रा एक एक जिले में स्टे करेगी और वहाँ के जो ग्रामीण अंचल है जहाँ पर हमारा फिशरमैन कम्युनिटी है उसमें अधिकांशतः यह यात्रा रहने वाली है। कब तक चलेगी आपकी पदयात्रा? यह यात्रा 30 सितंबर तक रहेगी। यूपी में ही या कहीं बिहार में भी जाएगी? यह पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जनपद में यह पदयात्रा रहेगी और इस पदयात्रा को बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है। खबर है जनपद कौशाम्बी से, जहां बढ़ती महंगाई ने देश की आर्थिक कमर को तोड़ने का काम किया है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थ व खाद्य पदार्थों की बड़ी महंगाई ने आम लोगों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वह महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही करे। उक्त बात सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने कही। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रभारी प्रदेश सचिव रामकिशन पटेल मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय से मुख्यालय चौराहे तक हुए तहसील परिसर तक का व बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। मौके पर मानवाधिकार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा व अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तमजीद ने भी बैठक को संबोधित किया। नारे सुने होंगे महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। आज कौशाम्बी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं, जिससे यातायात से लेकर के माल भाड़ा ढुलाई तक जब महंगा होता है उससे हर सामान महंगा होता चला जा रहा है। इस महंगाई से खास करके गरीब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हर अन्याय अत्याचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, सड़क पर आई है, मैदान में आई है और आज उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल गैस आज की बढ़ती हुई महंगाई से आज आम भारतीय परेशान है। जनहित में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई का विरोध करने का निर्णय लिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल रसोई गैस आदि महंगाई के विरोध में कांग्रेस जन सड़क पर विरोध कर रहे हैं, जिससे यह गूंगी बहरी सरकार जान सके और जनता की आवाज़ को समझते हुए जनहित में जो शपथ लेती है हो सकता है अपने शपथ को याद कर सके और जनहित में महंगाई को दूर करने के लिए हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। यदि ये नहीं करती है तो ये कांग्रेस जन जनहित में जिस प्रकार से अभी तक संघर्ष करते रहे हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े। जनहित में अन्याय के विरोध हम लड़े हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। टांगे पे लेके जो है आप लोग टांगा से चलने का तात्पर्य आप समझ रहे हो, जब हमारे पास तेल भराने का पैसा नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग या वो कांग्रेस जन जो किसी कारण से नहीं चल पा रहे हैं तो टांगे पे चल रहे हैं, नहीं तो वो भी बढ़िया गाड़ी पे चलते हैं। आज महंगाई का ही तो विरोध है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल पैदल लेके चल रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, लोग टांगे पे चल रहे हैं, बैलगाड़ी पे चलेंगे। हम तो जी रहे हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, उसके लिए चाहे टांगे में चलना पड़े, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे जो करना पड़े। और अभी हम पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर कराएंगे, आम जनमानस का राय बताएंगे, जिससे ये गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंखें खुल सके और महंगाई के विरोध में जो ये सब कार्यक्रम हो रहा है इससे महंगाई कम हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हम और इस अन्याय अत्याचार के विरोध में कम। रामकिशन सिंह पटेल, प्रदेश सचिव, प्रभारी जनपद कौशाम्बी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।